चलो तो शुरू करते हैं यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना भाई रावत अभी, और अभी सुबह के बज रहे 8:30। देन आज अपना हिमाचल में, आज हम अपना क्या, मेरा ही हिमाचल में लास्ट डे है। ये अपन निकल रहे दिल्ली, क्योंकि 5 तारीख से एग्ज़ाम थे तो चक्कर में निकलना पड़ रहा है। और अपन ने बैग वगैरह बांध दिए पैंथर में रात में ही, पर इस पर बहुत बड़ा बैग है यार, तो ज़्यादा ही बड़ा बैग है पीछे। ये खड़ी अपनी पैंथर, इसको निकालेंगे बाहर। बस आ जाए नी और लगाते हैं इधर पत्थर, स्टेप बाय स्टेप ईंटें लगाएंगे, देन बाहर निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं पैंथर को बाहर। वैसे लेट हो गए, निकलना वही था 5-6 बजे, बट ना मैं उठ के बार बार देख रहा कि एक बार ना दिन निकल जाए, उजाला 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 हो जाए भाई, उजाला हो जाए 6:30 के बाद। सेटिंग हो गई है, देन निकलते हैं, एयर प्रेशर वगैरह चेक कर लिया, निकलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। ब्रो भाई जाओ, गेट खोलो ब्रो, चलो निकलते यार। तो भाई चले, हाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ बस। तो भाई चलो चलते हैं, ठीक है गया। बड़ा अनाज ठीक है, इतना भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा बैठने, फिर क्या कर सकते हैं, जाना तो जल्दी पहुंचना तो पड़ेगा। जानिए पहले करवा लेंगे फूल अप थोड़ा सा, देखते कितना आता है इस बार पेट्रोल, फिर निकलते सीधा दिल्ली। आ जाओ बहन के टके ऊपर। पेपर है ना एग्जाम से, मैं निकल गया पेट्रोल भरा के, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई साइड में ना इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना, क्योंकि सुबह से आया और फॉग अच्छा है। वही है कि अब दिखाऊं कहाँ से, खींचते थोड़ी, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था यार। तबाही हिमाचल ब्रो, ये देख रहे हो, दिख रहे हैं भाई जो सेक्स व्यू आ रहा है ना, गांव धीरे नीचे वाला यार चेक। और दूसरे ये मोड, यहाँ पे कर्व आते हैं ऐसे, भाई जो मजा आ जाता है इनमें बाइक चलाने का। शहरों में क्या है, दिल्ली क्या है, चंडीगढ़ हर जगह में क्या है, सीधे सीधे रोड है, सीधे रोड में क्या होता है, जय माता दी, सीधे रोड में चलते रहो यार, ट्रैफिक है यहाँ पे, देखो ट्रैफिक नहीं है कुछ नहीं है, बस मोड देख, ये देखो यार यहाँ से अब दिख रहा हो तो आपको, नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते यार, कैमरा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, और क्या तो ना चेंज कर देंगे। तो भाई पहुंच गया, अब यहाँ से लेना है अपने को फ्लाईओवर, फिर जाएंगे टनल, टनल होते होते बस टनल होते होते ही जाएंगे फिर हम, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। पहले रास्ता जाता सीधा, पर जब से टनल बन गई भाई अपने को हो गया शॉर्टकट, क्योंकि टनल से यहाँ से लगते थे 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा, यहाँ से अब चंडीगढ़ को लगेगा 1 घंटा मुश्किल से, बस वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी टनल, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थोड़े आगे जाके बात ही मत करो, समझ गए, जितना धीरे जा सकते हो उतना धीरे चलो, क्योंकि पहुँचना तो तुमने घर ही है, ऐसे तो नहीं तेज जाके तुम जल्दी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे जाके जल्दी पहुंच जाओगे, लेट पहुंच जाओगे। और घर जाएगा तो मैं ऐसे तो नहीं कि तुम्हें कोई बहुत काम करने हैं, क्यों भाई बिलासपुर वो रह जाएगा उधर, बाईपास कर रहा हूँ पूरा बिलासपुर। अगर वहां से जाता, जैसे बताया वहां से जाता 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते, 4 से 5 घंटे चंडीगढ़ को,
ठीक है, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ से जाऊँगा मुश्किल से 1 घंटा। देन बैग, देन अपने बैग वगैरह भी देखने थे, कुछ दिक्कत तो नहीं है, सही है, बिल्कुल सही भाई। वो चीज़ देख रहे हो सामने यार, ऐसे व्यूज के लिए ना तरसते हैं लोग, क्योंकि हर कोई तरसता है ऐसा व्यू जो यहाँ है सामने भी। तो भाई हमने, मैंने तो अपनी ट्रिप पूरी कंप्लीट कर ली, तुम कब तक वीडियोस में देखोगे यार, तुम भी बैग पैक करो निकल जाओ, एक ही जिंदगी है ब्रो, एक ही जिंदगी है, एक ही लाइफ है। तो भाई ये अपनी पहली टनल, अपने साइड से पहली टनल आ गई। तो भाई हम यहाँ से होते हैं हिमाचल खत्म, हिमाचल को करते हैं बाय बाय, और पहुंचने वाले हैं कीर्तपुर। सही बोलूं, बहुत ज़्यादा टाइम कम लगता है यार, पेट्रोल भरा के साइड से निकला था 9:30 बजे, ठीक है 9:30, और अभी हो रहा 10:34। देखो टाइम, देखा सकता हूँ टाइम भी, मैं दिख रहा होगा बताएं, दिख रहा नहीं रहा, टाइम हो रहा 10:34। तो भाई करीबन कितना, 1 घंटा ही लगा है कीर्तपुर, और मैं कीर्तपुर पहुँच चुका भाई, यहाँ के लिए आई थिंक 4 से 5 घंटे, 6-5 घंटे तो यहाँ तक ले लेते थे अगर रोड से आते थे, 4 घंटे ले लो तो सही है यार, सही टाइम बच जाता है इधर से भी। यहाँ पे किस चीज़ का जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम बता रहा है, पता नहीं कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, चेकिंग चल रही है बस। हाँ महादेव का नाम लो, चलते रहो। तो भाई ये था, पानी जमा हुआ बस उसकी वजह से जाम लगा हुआ है, दिक्कत तो कोई है नहीं। देख रहे हो एक जाम, एक पानी की तरह से भी नहीं चीज़ कितना जाम लगा देता है, कितना लंबा जाम है यहाँ से भी। तो अब जाके ब्रेक लिया और किलोमीटर मैंने अब आ गया 316 किलोमीटर समथिंग आ चुका हूँ, 316 ही आ गया। अब जाके ब्रेक लिया पहला, कुछ खाने के लिए थोड़ी चाय वगैरह पीने के लिए देखो, और धनिया जहाँ से हो गया हम फ्री, और यहाँ से अब दिल्ली बची है। दिल्ली क्या मेरा घर ही बता दूँ, मेरा घर बचा है 92 किलोमीटर। तो भाई दिल्ली में स्वागत होता है जाम से, बाईपास पे लगा है जाम तगड़ा वाला, पर ये नहीं है कि पूरा स्टॉप रनिंग है, हल्का हल्का रनिंग हो रहा है, बस बहुत लंबा जाम लगा हुआ, बहुत पीछे से जाम लगा हुआ था, तो फ्लाईओवर पे ट्रैफिक लगता है, अब फटने वाली अच्छी वाली। और गर्मी, गर्मी भी लग रही है, पता नहीं कैसे भाई ठंड के मौसम में इतनी गर्मी कैसे। चार 45 और तुम्हारा भाई घर के नीचे, नहीं